और देखते हैं मंडे के लिए क्या पोजीशनिंग करते हैं हमारा टेक्निकल पैनल। आशीष बहेती साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, बताइए लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर क्या पसंद आता है सोमवार के लिए? शेल सर, लॉन्ग साइड में L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी अपने एक अपर चैनल के पे मूव कर रहा है कंटिन्यूसली स्टॉक, और आज एक अच्छा वॉल्यूम ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर्स का वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर मैं फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंशियल्स की बात करूँ इंडेक्स की, तो आज 14% का ओपन इंटरेस्ट उस इंडेक्स में दिखाया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और जिस हिसाब से HDFC में मूव दिख रहा है और बाकी NBFCs में भी मूव दिख रहा है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द होल सेक्टर। तो इसमें बाइंग की सलाह है, 92 का स्टॉप लॉस लगाकर 100 तक के टारगेट्स L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में दिख रहे हैं हमको। चलिए, तो L&T समूह की तेजी में एक और NBFC स्पेस से काउंटर जुड़ता हुआ, और यहाँ पर आप जो मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं वो अब पूरे समूह पर एक अनुकूल असर डालता हुआ दिखेगा। पहला मोमेंटम ट्रेड L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स बहेती साहब की तरफ से। पहले आशीष जी, ऐसा करते हैं सारे आशीष जी के ट्रेड्स ले लेते हैं, अब जोड़ते हैं चतुर्मोता साहब को, बी के बाद सी आता है। आशीष चतुर्मोता साहब, हुक्म कीजिए, बताइए कहां पर आपका ध्यान और रुझान है तेजी में? जी शैल जी, तो बी के बाद सी आता है और बी के पहले ए आता है, और ए को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक पर राय दूंगा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, सभी टाइम फ्रेम पर मुझे लगता है एक्सिस बैंक है। 804 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 795 के स्टॉप लॉस के साथ BTST इसको करना चाहिए। 825 के लक्ष्य BTST के तौर पर एक्सिस बैंक में देखने को नजर आएंगे, और पूरा बैंकिंग बास्केट मुझे लगता है एक पॉजिटिव रुझान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। अरे वाह, तो पूरी तरह से भाई फाइनेंशियल्स को रडार पे रखना है, L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक्सिस बैंक। और दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गाबा सर, क्या है रडार पर? माय फेवरेट इंडसइंड बैंक, बहुत ही बढ़िया चार्ट है इसका, ब्यूटीफुल चार्ट है। और आज एक कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट का, 1180 का स्टॉप लगाना है, बस अपसाइड ओपन है। फिर भी एक टारगेट दे ही देता हूं, पहला टारगेट रहेगा 1250, ये पहला टारगेट है, उसके बाद हायर जोन खुल जाएंगे। लेकिन यस, इंडसइंड बैंक बाय BTST। आ गया भाई एक और बैंक, इंडसइंड बैंक भी खरीदने का मन। पालविया साहब, आशीष जी बाय करेंगे अडानी पोर्ट BTST में। स्टॉक में देखें तो जो ब्रेकआउट डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है, और जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, अडानी पोर्ट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 813 के आसपास का ट्रेड अभी हो रहा है, इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 806 का, और टारगेट जो हमें लगता है अडानी पोर्ट में आना चाहिए करीब 830 से 835 तक के अपसाइड इसमें मंडे के सेशन में आते हुए दिख सकती है। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 810 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर ले, जो कि ट्रेड कर रहा है अभी 34-35 के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे 28 का, और इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है मंडे के लिए आते हुए दिखना चाहिए करीब 45 से 48 तक के। अदानी पोर्ट्स, वाकई बहुत बढ़िया मूव आ रहा है। मेरे ख्याल से परसेंटेज वाइज गेनर्स में तो निफ्टी के टॉप गेनर में आपको नजर आएगा, कैश में 7% का उछाल है, बहुत बढ़िया मूव बन रहा है, इसको रडार पे रखिए, खरीदारी करने का कॉल है। चंदन, कुछ और है क्या SBI के अलावा? जी बाजार इतनी तेज मोमेंटम है तो बहुत सारे ट्रेड्स एक साथ यहाँ पे बन रहे हैं। SBI तो बिल्कुल एक ट्रेड है जो कंटिन्यूअसली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, बट एक नहीं तीन चार ट्रेड मेरे जेहन में यहाँ पे आ रहे हैं, तो बस एक ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा, हेवेल्स। देखिए, इस काउंटर ने आज लगभग अपने 24-25 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे देखें तो 3 वीक का जो करेक्शन था वो एक वीक में कवर हुआ है, तो काफी अच्छा सेटअप हेवेल्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हेवेल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 1470-72 के आसपास लें। यहाँ पे आपको 1445 के स्टॉप लॉस रहेंगे, 1525 तक के टारगेट रहेंगे, तो हेवेल्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो दो तीन जहन में आ रहे थे, दिख रहे थे, उनमें हेवेल्स सबसे ज्यादा प्रेफर्ड बेट था। बिल्कुल, आप बोलोगे तो दो तीन। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैंने कहा छोड़ना क्यों जब पसंद आ रहा है, कुछ तो बताइए ना जी। देखिये, हमने हेवेल्स की तो बात की है, SBI ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरे ट्रेड में यहाँ पे मैं डीवी स्लेब को डिस्कस करना चाहूंगा। आप देखोगे डीवी स्लेब एक डिफेंसिव बेट का भी काम करेगा, साथ में ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे बने हुए हैं,
डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे हाईएस्ट एवर क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। 3 दिन की छुट्टी है तो कोई बड़ी वोलेटिलिटी भी इस काउंटर में नहीं देखने को मिलेगी, तो डिविस लेब में यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट जोन है। और इवन सबसे अच्छी बात है 8 दिन पहले जो इसके हाई बने थे 5315 के, उन हाई के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो उस दिन का थ्रस्ट अभी भी इस काउंटर में इंटेक्ट है। तो आपको यहाँ पे 5250 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 5550 तक के टारगेट आपको डिविस लेब में बनेंगे। तो SBI के बाद हेवेल्स और डिविस लेब दो ट्रेड रहेंगे जिसको आप कैरी कर सकते हैं। महेश्वरी साहब क्या पसंद होगी आपकी? जी दो स्टॉक में रिकमेंड कर सकता हूँ मंडे के लिए। मेरा सबसे पहला पिक रहेगा अगेन HDFC बैंक। मेरा मानना है गैप अप ओपनिंग होने की तैयारी रहेगी मंडे को HDFC बैंक में, जो नतीजे आने वाले हैं, तो 1715-1720 तक के लेवल आपको मंडे मॉर्निंग में HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे मुझे नेटवर्क 18 एक स्टॉक है जो काफी पसंद है, और मेरा मानना है कि लास्ट टाइम से इस बार कम से कम 50% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ नेटवर्क 18 देगा, तो 500 करोड़ के सामने करीब 750-800 करोड़ का मुनाफा भी नेटवर्क 18 में इस बार आ सकता है। बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है, बिल्कुल आपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए, BTST करिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए बिल्कुल, लेकिन इसको मिस मत करिए। डीलिंग रूम में क्या चहक है तेजी की, कहां पर आपको पोजीशंस लेनी है मंडे के लिए, आपको बताते हुए दिखेंगे मोता साहब। यतीन जी स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून शैल जी और आशीष। देखिए दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स में आज चर्चा में है जहां वो खरीदारी कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले एलएनटी काफी अच्छे पिवट लेवल्स के ऊपर है, टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग डीलिंग रूम्स के राय के हिसाब से, और पोजिशनली उनको लगता है कि 1850 के लेवल्स एलएनटी पे आपको देखने को मिलने चाहिए, यानी यहां से भी आपको 50 से 60 रुपए की अपटिक देखने को मिलनी चाहिए ऐसा उनका मानना है। आज वायदे बाजार में देखें तो बहुत ही अच्छा 5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है तेजी की तरफ, और काफी अच्छी फंड बाइंग भी यहां देखने को मिल रही है। तो कैपिटल गुड्स और पावर की थीम को बरकरार रखते हुए और एक रिकमेंडेशन जो है डीली रूम्स का वो है NTPC, और NTPC में भी डीली रूम्स को लगता है कि 155 से लेके 160 तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। पोजिशनली ओपन इंटरेस्ट में लगभग 11% का आपको इजाफा देखने को मिल रहा है, और फ्रेश लॉन्ग्स अक्टूबर सीरीज के लिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तो दोनों ही LNT और NTPC पे डीलिंग उनको लगता है कि काफी अच्छे आपको ट्रेडिंग के लिहाज से रिटर्न्स मिलने चाहिए पोजिशनरी। आजकल रिकॉर्ड हाईज पे डीलिंग रूम केक नहीं काटते क्या, कि अब रोज लगता है तो केक में नुकसान हो जाता है? केक तो काटते ही हैं आशीष, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है डेली 100-150-200 पॉइंट बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डीलिंग रूम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ट्वीट में देख रहा था, वहां कोई मेंशन कर रहा था कि राकेश झुंझुनवाला जब से पीएम मोदी को मिले हैं उसके बाद रोज 100-150 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, तो देखते हैं कितने दिन ये चलता है। मार्केट जबरदस्त मोमेंटम है, एटलीस्ट ये पूरे नवरात्रे दशहरा बहुत बेहतरीन तरीके से बीते हैं कैपिटल मार्केट्स के लिए।